सुंदरनगर के जवाहर पार्क में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा मंडी के बाद सुंदरनगर से होते हुए बिलासपुर में प्रवेश करेगी और शिमला तक पहुंचेगी। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि शिमला में 3 मार्च को विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांति प्रिय रहेगा। यात्रा का दूसरा दिन है और ये सुंदरनगर जवाहर पार्क से शुरू हो रही है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर ये पार्क है और इस पार्क से हम शुरू इस पदयात्रा को कर रहे हैं। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत योगदान रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ये पदयात्रा इसी तरह लगातार कल आज जो है हम असलापुर रुकेंगे, कल हम बिलासपुर रुकेंगे, इस तरह हम जो 3 तारीख तक शिमला पहुंचेंगे और 3 तारीख को हमारा विशाल धरना जो है शिमला में होने वाला है। ये इस तरह से ही हमारे अन्य साथी जिस तरह से आज यहाँ सुंदर के हमारे और जिला कुल्लू से हमारे साथी आए हैं, कल हमारे साथ जिला हमीरपुर के और बिलासपुर के साथियों के साथ हमारी पदयात्रा शुरू होगी और कुछ पदाधिकारी हमारे जो है लगातार इस पदयात्रा में शिमला तक हमारे साथ चल रहे हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये हमारी जो पदयात्रा है ये अवेयरनेस के लिए पदयात्रा है और इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं और सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण पदयात्रा है और इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों को लगता है कि पेंशन बहाली के लिए हम जो है कि गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि पदयात्रा और इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर हमारे देश की आज़ादी के लिए जो है हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को खदेड़ा था और इसी कड़ी में हम भी इस तरह के ही तरीके अपना रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के तरीके जो है उनमें किसी भी तरह की कोई बुराई है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है और हमारे बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग बिल्कुल हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। जगह जगह पिछले कल की अगर बात करूँ तो लोगों ने पानी चाय इस तरह की व्यवस्था जो है फ्रूट्स की व्यवस्था जगह जगह कर रखी थी। बहुत सारे कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों ने आकर जो है हमें हमारा स्वागत किया, धन्यवाद किया कि पेंशन बहाली के लिए जो है आप इतने प्रयास कर रहे हैं, हमारा सहयोग आपके साथ है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपका सहयोग करते रहेंगे और 3 तारीख को हम विशाल धरने में जरूर सम्मिलित होंगे। सर, मंत्री महोदय ने एक पहल की थी वार्ता के लिए, हमारा पहले शुरू से ही मानना है कि हम संवाद और संघर्ष के रास्ते पर चलकर जो है पेंशन बहाल जरूर करवाएंगे और इसी कड़ी में हमारा संघर्ष आप देख रहे हैं, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संवाद की जहाँ तक बात है, सरकार ने हमें संवाद के लिए बुलाया, हमने जाकर उनसे वार्ता की है और सरकार के पास हमने सारे तथ्य रख दिए हैं और सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बिल्कुल जिस तरह से वार्तालाप होनी चाहिए बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई है और फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से अनुरोध किया जा रहा था कि हम इस पदयात्रा